पाल, मैं सोनाक्षी चौबे, बूज बी रेस्टोरेंट की एमडी। आप सभी को हमारी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ 26 जनवरी की। गणतंत्र दिवस आपको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी और हमारी टीम की तरफ से। रेस्टोरेंट हमारा भोपाल अयोध्या बाईपास में स्थित है और अभी 31 दिसंबर को ही इसकी ओपनिंग हुई है। और हमारे यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं। हम बहुत सारे क्यूजींस में भी डील करते हैं। हमारे यहाँ आपको इंडियन क्यूजीन और उसके साथ साथ इंटरनेशनल क्यूजीन की भी सारी चीज़ें मिलेंगी। आप बच्चे से लेके बड़े भी यहाँ पे हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हो। हमारे यहाँ जो फूड है दैट इज़ बहुत ग्रेट क्वालिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छा क्वालिटी एंड क्वान्टिटी के साथ सर्व कर रहे हैं। कोशिश हमारी बस यही है कि आप जब भी आए तो अपने परिवार के साथ भी आ सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ भी आ सकते हैं, आप पार्टीज़ भी कर सकते हैं, आप किटी पार्टीज़ भी कर सकते हैं, बर्थडे पार्टीज़ भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमारी इंडोर सीटिंग्स भी हैं, हमारी आउटडोर सीटिंग्स भी हैं और हमारे यहाँ आप जो चाहे उस तरह का आप फंक्शन इंजॉय कर सकते हैं। हम आर्टिस्ट को भी मौका देते हैं। हमारे यहाँ हर 2 हफ्ते में ओपन माइक्स भी होते हैं, तो अगर आपको लाइव म्यूज़िक इंजॉय करना है और साथ में एक डिलीशियस फूड इवनिंग इंजॉय करनी है अपनी फैमिली के साथ, आप तब भी आ सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ मैं अयोध्या बाईपास पे, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई रेस्टोरेंट आया नहीं था। हम कुछ लेकर आए हैं, तो आप ज़रूर आइएगा और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। हमारा अच्छा क्यूजीन हम लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। आपको होपफुली सब चीज़ें पसंद आए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से। मैं CSP अनिल त्रिपाठी निषादपुरा हूँ। गणतंत्र दिवस की भोपाल वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। अरे पीछे आ जाओ भैया, भैया पीछे आ जाओ यार, कर लेंगे तखत उठाए जब भी नहीं। जैसे थे ध्वज गीत शुरू करेंगे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला। सार्थक, अरे यार थोड़ा पीछा जाओ ना यार। वंदे मातरम शुरू करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयजल शीतलाम शश श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्नम पुलकित यामिनी, पुलक सुमित द्रुमदल शोभनी, सुहासिनी सुमधुर कलभंगा, बिंद हिमा जल यमुना गंगा, उछल जल तरंगा, सब शुभ नामे जागे, सब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे भूमि धारा, भारत माता की जय। श्री जगन्नाथ जी का संदेश। सम्मानित प्रदेश वासियों, गणतंत्र में दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामना और बधाई। आज से 7 दशक पूर्व 26 जनवरी 2050 को प्रातः 10:18 पर हमारा संविधान लागू हुआ था।
और आज देश ने एक लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और तब से निरंतर हम संविधान के निहित मूल्यों पर चलते हुए सतत आगे बढ़ रहे हैं। आज संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसका मूल भारतीय संविधान में निहित है। संविधान ने देश की एकता को सूत्र में बांधने, सबको समान अधिकार देने और नागरिकों को व्यक्तिगत और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का कार्य किया है। विविधता से परिपूर्ण हमारे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से एक समाजवादी समाज की रचना के आधार को दिया और सभी नागरिकों को संवैधानिक अधिकार उपलब्ध कराए। हमारे गणतंत्र दिवस पर आज सभी भारत के नागरिकों को मेरी हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। हमें इस वर्ष न केवल संविधान की सुरक्षा करते हुए इस कोरोना काल में अपने को अपने परिवार को पूरी तरीके से सुरक्षित रखना है और उसमें पूरा एहतियात बरतना है। ईश्वर से, प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि सभी को स्वस्थ रखें, सुखी रखें और हमारा देश और तरक्की करे और मजबूत हो और सभी लोगों में मित्रता रहे, सद्भाव रहे, प्रेम रहे, क्योंकि सद्भावना ही इस देश की तरक्की का रास्ता है। सर, दिल्ली में आज किसान ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहे हैं, मेरी बहुत उनको हार्दिक शुभकामनाएं और जो जिद प्रधानमंत्री जी ने कर रखी है उसे छोड़ना चाहिए। मुझे तो उम्मीद थी कि आज वे इस बात की घोषणा करेंगे लेकिन लगता नहीं करेंगे, वे जिद पर अड़े हुए हैं, लेकिन हम पूरे तरीके से किसानों के पक्ष में हैं क्योंकि जो किसान आंदोलन है वो सही रास्ते पर है, क्योंकि ये तीनों कानून किसानों का हक मार के बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं।